आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर देश उनको याद कर रहा है। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी को देश में आई सूचना प्रौद्योगिकी और संचार क्रांति का जनक कहा जाता है। राजीव गांधी गांधी परिवार के तीसरी पीढ़ी के तीसरे प्रधानमंत्री थे। उनसे पहले जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उन्हें कांग्रेस ने अपना नेता चुना और फिर उन्होंने देश की बागडोर अपने हाथ में ली थी। राजीव गांधी की गिनती देश के कुशलतम प्रधानमंत्रियों में होती रही है। देश में वोट देने के अधिकार को 21 वर्ष से कम कर 18 वर्ष राजीव गांधी के सत्ता काल में किया गया था। राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल के दौरान देश की अर्थव्यवस्था के उदारीकरण समेत नौकरशाही में सुधार के कई कदम उठाए थे। आज ही के दिन मद्रास से करीब 30 किलोमीटर दूर त्रिपेर बंदूर में आयोजित एक रैली को संबोधित करने पहुंचे राजीव गांधी की हत्या एक बम धमाके में हो गई थी। इस धमाके में LTTE के उग्रवादियों का हाथ था। आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर पूरा देश उनको याद कर रहा है। देश भर में आज सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी सिलसिले में आज गोड्डा जिला में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। गोड्डा कांग्रेस कार्यालय के सामने मुख्य सड़क पर रिक्शा चालकों, ठेला चालकों, राहगीरों को एवं गरीब लोगों को मास्क, सैनिटाइजर, साबुन आदि दिया गया। सदर अस्पताल गोड्डा के कोविड सेंटर में मरीजों एवं परिजनों के बीच फूड पैकेट का वितरण किया गया। गोड्डा नगर उपरोक्त कार्यक्रम के बाद कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के नेतृत्व में बेलारी में 100 ग्रामीणों के बीच राशन वितरित किया गया। क्या कर रहे हैं अध्यक्ष जी? पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत स्वर्गीय राजीव गांधी जी के 30वीं पुण्यतिथि पर गोड्डा जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा सैकड़ों आदमी के बीच में मास्क, साबुन और अस्पताल में, गोड्डा सदर अस्पताल में कोरोना रोगियों के लिए फूड्स, फल हम लोग वितरण करेंगे। और इसके बाद माननीय विधायक पड़िया हाट के द्वारा बेलारी हरिजन टोला में 100 परिवारों के बीच सूखा राशन देने का काम करेंगे। और मागामा विधानसभा के अंतर्गत भी विभिन्न प्रखंडों में मास्क, साबुन और सूखा राशन आदरणीय दीपिका पांडे मैडम के द्वारा भी वितरण किया।